दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध में करोड़ों लोगों की जाने गई थी, और वो करोड़ों लोगों की जाने जाने के कारण महाभारत के बाद सारा भारतीय समाज इस दिशा में सोचने लगा था कि हिंसा से कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। तो कई वर्षों बाद दोस्तों इस तरह की बहुत सारी फिलोसॉफीज भारत में पनप गई थी, जो ये कहने लगी थी कि भारत के अंदर क्षत्रिय धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, सभी लोगों को ब्राह्मणत्व को अपनाना चाहिए, सभी लोगों को अहिंसा को अपनाना चाहिए और हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फिलोसॉफी दोस्तों सुनने में इतनी अच्छी थी कि इस फिलोसॉफी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुड़ने लगे। परंतु अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इस फिलोसॉफी की तरफ मुड़ते थे, उन राज्यों पर दूसरे राज्य जो हिंसक होते थे वो हमला कर कब्जा कर लिया करते थे। तो इसलिए ये फिलोसॉफी ज़्यादा फैली नहीं दोस्तों, ये एक फिलोसॉफी के तौर पर समाज में घूमती रहती थी। तो उसी समय दोस्तों जैनिज्म बौद्धिज्म भी पनपे और उन्होंने भी काफ़ी जगहों पर अहिंसा की फिलोसॉफी का प्रचार किया और उसमें कई सारे अच्छे लोग ज्वाइन हुए और उन लोगों का मत ये था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और वो वनों में रहकर अपना अहिंसा से जीवन जिया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टर्न आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद वनों पर भी हमला कर देते हैं और वनवासियों पर जब वो हमला करते हैं तो उस समय उनकी लाशें देखने के बाद उनके मन में हृदय परिवर्तन का एक भाव जागता है और उनके भाई विद अशोक से मिलकर वो बौद्धिज्म अपना लेते हैं। दोस्तों सम्राट अशोक यदि अकेले बौद्धिज्म अपना लेते तो कोई दुख की बात नहीं थी, लेकिन सम्राट अशोक उसको स्टेट रिलीजन घोषित कर देते हैं और स्टेट रिलीजन घोषित करने के कारण दोस्तों क्या होता है, सारे भारत के अंदर जितने लोग सनातन परंपरा को मानते थे, कहीं गणेश पूजा हो रही थी, कहीं काली पूजा हो रही थी, कहीं दुर्गा पूजा हो रही थी, कहीं शिव पूजा हो रही थी, इन सभी के मंदिरों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब स्टेट कोई चीज़ को स्पॉन्सर करता है तो स्टेट के कई सारे लोग बिना उस आइडियोलॉजी के होने के बाद भी उस चीज़ को अपनाने लगते हैं। तो वैसा ही उस समय हुआ दोस्तों, सम्राट अशोक के जितने सैनिक और जितने अनुयायी थे उन सभी ने सम्राट अशोक को खुश करने के लिए बौद्धिज्म अपना लिया, लेकिन एक्चुअल में वो बौद्धिज्म की फिलोसॉफीज पे बिलीव भी नहीं करते थे और बिलोंग भी नहीं करते थे उस फिलोसॉफी को। जैसा कि आज हम लोग भारत में देखते हैं कि कई सारे लोग बौद्धिज्म के नाम पर हिंदुइज्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, कई सारी किताबें जलाते हैं, जबकि बौद्धिज्म के अंदर हिंसा सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप शब्दों से और मन से भी हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे लोग हिंसा कर रहे हैं। और उसी समय दुनिया में दलाई लामा जैसे लोग भी हैं, तिब्बत जैसे लोग भी हैं, लद्दाख जैसे बौद्ध भी हैं, जो बिल्कुल शांति और अहिंसा से रहते हैं और वो किसी से नफरत या जंग नहीं करते। तो उस समय भी दोस्तों इसी तरह के दो बौद्धों में भारत बट गया था, एक वो बौद्ध जो जेन्युइन बौद्ध थे जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, एक वो बौद्ध जो सम्राट अशोक के कहने पर बौद्ध बने थे और वो कंपल्सरीली बाकी सारे रिलीजन्स को यहाँ पर क्रश कर रहे थे। तो दोस्तों सारे रिलीजन से मेरा मतलब सिर्फ एक ही रिलीजन से है जो कि उस समय हुआ करता था, वो था वैदिक रिलीजन। तो वेदों को मानने वाले, उपनिषदों को मानने वाले जो लोग थे उनको क्रश किया जा रहा था, उनकी आइडियोलॉजी को दबाया जा रहा था और सारे स्कूल्स लगभग बौद्धिस्ट स्कूल हो गए थे। और उस समय दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति उभर कर आता है, जो व्यक्ति जैसा कि आज हम कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि दीदी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ऐसे एक व्यक्ति कुमारिल भट्ट थे। कुमारिल भट्ट ने गांधी जी से कई वर्षों पहले इस तरह का एक युद्ध लड़ा, एक बौद्धिक युद्ध लड़ा बौद्धों से, जिसमें उन्होंने सारे के सारे भारत को वापस वैदिक बना दिया। और ना सिर्फ वापस वैदिक बनाया बल्कि उसके लिए कहीं पर भी कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया, कोई हथियार नहीं उठाया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर उन्होंने सारे भारत के अंदर घूमकर प्रचार कर और हिंदुइज्म और सनातन धर्म को वापस स्थापित किया दोस्तों। तो दो लोगों के नाम इस चीज़ के अंदर हमेशा आते हैं, एक आदि शंकराचार्य का, एक कुमारिल भट्ट का दोस्तों। लेकिन आदि शंकराचार्य के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, कुमारिल भट्ट की कहानी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अगले कुछ मिनटों के अंदर कुमारिल भट्ट की जीवनी पर, कि कुमारिल भट्ट कौन थे और किस तरह से उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए पूरे भारत के अंदर वापस से वैदिक धर्म को स्थापित कर दिया, जो बौद्ध धर्म आज एशिया के अंदर कई सारे देशों के अंदर फैला हुआ है। लेकिन जिस देश के अंदर से उसकी शुरुआत हुई है उसी देश के अंदर वो इतना कम क्यों है,
कैसे सारे के सारे बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग वापस उस वैदिक धर्म में लौट आए जिनको अशोक ने बौद्धिज्म में कंपलसरी डाल दिया था, कैसे एक कुमारिल भट्ट ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम बात कर रहे हैं कुमारिल भट्ट की। दोस्तों कुमारिल भट्ट एक ब्राह्मण थे, आदि शंकराचार्य के भी पहले इनका जन्म हुआ है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो असम के पास हुए थे, कुछ का मानना है दक्षिण भारत या नॉर्थ में किसी का मानना है। तो इसलिए हम उनके कंट्रोवर्सी पर उस पर नहीं जाते कि डेट प्लेस कौन सी है, वो कई सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन कुमारिल भट्ट जब जन्म लेते हैं तो कुमारिल भट्ट के जन्म लेने के समय बौद्ध धर्म पूरे भारत के अंदर धीरे 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 प्रवेल होता जा रहा था। लेकिन वो एक वैदिक फैमिली में जन्म लिए थे और वैदिक फैमिली में जन्म लेने के कारण उनको वैदिक ज्ञान पूरी तरह से था, वेदों का ज्ञान था, हमारे दर्शनों का ज्ञान था। तो उस समय दोस्तों कुमारिल भट्ट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हम लोगों के धर्म को दबाया जा रहा है, क्यों बौद्ध लोग इतने डिग्रेड हो गए हैं जो अहिंसा की बातें किया करते थे, कि ये सारे के सारे लोग हिंदुओं के मंदिरों को बंद करवा रहे हैं और वैदिक कल्चर को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो कुमारिल भट्ट धीरे 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 अपने कल्चर को और ज़्यादा स्ट्रांगली पढ़ते चले गए, वैदिक कल्चर को और ज़्यादा स्ट्रांगली पढ़ते चले गए। लेकिन पढ़ने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि बौद्धिज्म जो है वो वैदिक कल्चर का सिर्फ एक पार्ट मात्र है, वैदिक कल्चर तो इससे बहुत ज़्यादा विस्तृत है, उसमें ना सिर्फ अहिंसा की बात है बल्कि प्रकृति, नेचर और कॉन्शियसनेस, इस तरह की कई सारी बातें ऑलरेडी वैदिक कल्चर में हैं। और बौद्धिज्म जो है वो उस समय डिग्रेडेशन की ओर जाने लगा था और वो सारे लोग हिंसा और सारे कुकर्म उस तरह के करने लगे थे जिनके खिलाफ असल में गौतम बुद्ध ने लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों कुमारिल भट्ट ने उस समय डिसाइड किया कि मैं डिबेट के अंदर इन लोगों को पराजित करूंगा और डिबेट कर धीरे 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 लोगों को वापस वैदिक धर्म की अहमियत समझाऊंगा। तो दोस्तों उस समय जब उनको डिबेट करनी थी, उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के समय में जब आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग आपके धर्म के खिलाफ लिख रहे हैं, तो ऐसे में राजीव मल्होत्रा जैसे कई सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको पूर्व पक्ष करना चाहिए, मतलब आपको सामने वाले व्यक्ति के विषय में भी जानना चाहिए तभी आप उससे डिबेट कर पाओगे। तो ये चीज़ कुमारिल भट्ट ने इतने वर्षों पहले दोस्तों कर ली थी। कुमारिल भट्ट ने उस समय पूर्व पक्ष किया, उन्होंने कहा कि मैं वैदिक कल्चर के बारे में तो सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बौद्धिज्म गलत है, तो मुझे बौद्धिज्म को भी जानना एक अत्यंत आवश्यक लगता है। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने बौद्धिज्म की सबसे बड़ी उस समय की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया एक बौद्ध गुरु के अंडर, और बौद्ध गुरु के अंडर ना सिर्फ एडमिशन लिया बल्कि पूरी बौद्ध फिलोसॉफी का पालन करते हुए कई वर्षों तक, 5 साल से अधिक वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर बौद्धिज्म को सीखा, बौद्ध धर्म को सीखा। अब अंत में दोस्तों जब वो सीख रहे थे, अंतिम वर्ष में थे, सब कुछ सीख गए थे, उस समय उनके गुरुओं का लेवल ये हो गया था, टीचर्स का लेवल ये हो गया था उस समय तक कि वो सनातन परंपरा और वैदिक परंपरा को गालियां देते थे और गलत तरीके से उसको ट्रांसलेट करते थे। तो एक दिन एक बौद्धिस्ट गुरु गलत तरीके से वेदों की व्याख्या करके उसका मजाक उड़ा रहे थे और सभी लोग हंस रहे थे। उसी समय दोस्तों कुमारिल भट्ट की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि कुमारिल भट्ट वैदिक परंपरा के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकते थे, वो उससे बहुत प्रेम करते थे और जब उन्हें उनके धर्म का अपमान होते हुए दिखा तो उनकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू बहने लगे। और जब आंसू बहने लगे तो बौद्ध अनुयायी ने उनको देखा और उन्होंने गुरु से शिकायत की कि ये देखिए ये रो रहा है। तो उस समय ये सारे के सारे लोग समझ गए कि इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये वैदिक कल्चर वाला व्यक्ति है। तो वैदिक कल्चर वाला व्यक्ति देखते ही उन सभी लोगों ने उनको पकड़ लिया। और दोस्तों दंत कथाओं में इस तरह की कहानी है कि उसके बाद उनको ले जाकर एक बड़ी पहाड़ी पर वो सारे के सारे लोग ले गए और बड़ी पहाड़ी पर ले जाकर बोलने लगे कि बताओ तुम बौद्धिज्म को मानते हो या वैदिक को मानते हो। तो कुमारिल भट्ट ने उस समय कहा कि मैं वैदिक धर्म को ही मानूंगा, आपके धर्म को मैं नहीं मानता कि वो वैदिक से ज़्यादा बड़ा है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर बड़ा है, हम तो ईश्वर में नहीं मानते। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ईश्वर बड़ा है। तो उन्होंने कहा हम आपको पहाड़ पे से फेंक देंगे और पहाड़ पे से फेंक कर यदि तुम बच जाते हो तो तुम्हारा ईश्वर महान है। तो उस समय कुमारिल भट्ट ने उनसे कहा कि ठीक है, यदि मेरा ईश्वर होगा तो वो मुझे बचा लेगा। और उन सभी लोगों ने उठाकर उनको पहाड़ से नीचे जान से मारने के लिए फेंक दिया। और फॉर्चुनेटली दोस्तों उनकी जान नीचे जाने के बाद बच गई, सिर्फ एक आंख जो थी वो उनकी फूट गई और उससे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। और उस समय
उन्होंने नीचे से ही जब चिल्लाकर उन लोगों से कहा कि देखो मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया, तो बौद्धों ने उन्हें पलटकर कहा कि ईश्वर ने यदि तुम्हें बचा लिया तो तुम्हारी आंख क्यों फूटी। तो उस समय पलटकर कुमारिल भट्ट ने जवाब दिया कि मेरी आंख इसलिए फूटी क्योंकि मैंने यदि कह दिया था, मैंने कहा था कि यदि मेरा ईश्वर होगा तो वो मुझे बचा लेगा, तो मुझे यदि का भी डाउट नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरा ईश्वर तो है। तो इस तरह से वो पूर्ण विश्वास लेकर वहां से निकले, और वहां पर से निकलने के बाद उस व्यक्ति को ये बात का कंफर्मेशन हो गया था कि बौद्धिज्म जो है वो अहिंसा की फिलॉसफी का पालन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वैदिक धर्म को ये लोग गालियां दे रहे हैं जबकि बुद्ध की शिक्षा ये थी कि मन से भी हिंसा नहीं करनी है, कर्मों से भी हिंसा नहीं करनी है, और ये मन से भी कर रहे हैं, कर्मों से भी कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे जान से मारने के लिए यूनिवर्सिटी के ऊपर से नीचे फेंक दिया, पहाड़ पे से नीचे फेंक दिया, तो ये असली हिंसा भी कर रहे हैं, तो ये बौद्धिज्म की फिलॉसफी जो है ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी जो वैदिक फिलॉसफी है उसका प्रचार करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की, कन्विंस करना शुरू किया। इसके बाद दोस्तों कुमारिल भट्ट सबसे पहले जिस शहर के अंदर पहुंचे उस शहर का नाम बताया जाता है चंपा नगरी, और चंपा नगरी राज्य में उस समय राजा सुधन्वा का राज था दोस्तों। तो उस समय जब वो उस नगरी में से गुजर रहे थे तो ऐसी एक कहानी आती है कि जब वो निकल रहे थे तो उनके ऊपर कुछ गर्म पानी गिरा, तो जब वो ऊपर देखते हैं तो रानी वहां पर बैठी हुई रो रही थी और उनके आंसू उनके ऊपर टपके। तो जब वो आंसू उनके ऊपर टपके तो कुमारिल भट्ट ने ऊपर देखा और उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये जो राजा है ये इसने बौद्धिज्म अपना लिया है, और बौद्धिज्म अपनाने के कारण इसने मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति वगैरह सब छुपा दी है, ये मुझे पूजा नहीं करने देता, और मुझे ही नहीं पूरी प्रजा को पूजा नहीं करने देता, और ये बोलता है कि ये सारा का सारा वैदिक धर्म गलत है, ढोंग है, पाखंड है, तो मैं इससे बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं अपने पहले वाले घर में जहाँ थी वहाँ पर जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे वहाँ पर मैं पूजा किया करती थी, और आज मैं ही नहीं सारी प्रजा इससे दुखी है कि हमारे वैदिक धर्म को क्यों समाप्त किया जा रहा है, हम लोग इनके खिलाफ नहीं है, उसके बाद भी हम लोगों को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। तो उस समय कुमारिल भट्ट दोस्तों उस रानी से वादा करते हैं, उस रानी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं अब वापस वैदिक धर्म की स्थापना इस देश के अंदर करूँगा। तो वो वादा करने के बाद दोस्तों वो राजा के पास जाते हैं और राजा के दरबार में बैठकर बौद्धों से फिर डिबेट करना शुरू करते हैं। धीरे 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 दोस्तों डिबेट होती है, डिबेट के अंदर बौद्धिज्म निकलता है, वैदिक कल्चर निकलता है, फिर और ज़्यादा फिलॉसफी निकलती जाती है, और वो पूरी की पूरी डिबेट आपको पुस्तकों के अंदर मिलेंगी दोस्तों, कई सारी किताबों के अंदर, मिथिला के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, बनारस के अंदर आपको ये डिबेट्स की पूरी कॉपी मिलेगी। उन डिबेट्स के अंदर उन्होंने पराजित किया बौद्धों के सबसे बड़े से बड़े धर्मगुरुओं को, बड़े से बड़े फिलोसोफर्स को, और उनको पराजित करने की शर्त यह थी कि यदि आप जीत गए तो आप मेरा धर्म अपना लोगे, और यदि मैं जीत गया तो मैं आपका अपना लूंगा। और दोस्तों उस समय कुमारिल भट्ट ने उनको पराजित किया, यह चीज देखकर चंपा नगरी के राजा ने वापस वैदिक धर्म अपनाया, और धीरे धीरे चंपा नगरी से आगे बढ़ते हुए बहुत सारी जगहों पर उन्होंने वापस से वैदिक धर्म की पताका फहरा दी दोस्तों। अब वैदिक धर्म की जब पताका फहरा दी, चंपा नगरी में अपना वादा भी पूरा कर लिया, उस समय दोस्तों उस समय कुमारिल भट्ट को याद आया कि मैंने अपने गुरु के साथ द्रोह किया है, क्योंकि उनको वैदिक धर्म को स्थापित करना था, तो उस समय तो वो निरंतर उसके लिए लगे रहे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में एक बात खल रही थी कि वैदिक धर्म कभी भी कोई रॉन्ग चीज़ करने के बारे में नहीं बोलता, कोई गलत चीज़ करने के बारे में नहीं बोलता दोस्तों। तो उस समय उनके मन के अंदर पश्चाताप की अग्नि जलने लगी और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बौद्ध गुरु के साथ छल किया है, क्योंकि मैंने उनसे बौद्धिज्म सीखा और उसके बाद उसी बौद्धिज्म के विषय में मैंने डिबेट कर उन लोगों को पराजित किया। तो कई लोगों ने उनको उस समय समझाने की कोशिश की कि आपने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे, आपने गलत के साथ गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने कि भले ही मैंने गलत किया है लेकिन इस फिलोसॉफी को यदि आगे के लोग अपनाने लगे, आगे के लोग यदि इसको ही परिमाण मानकर और इस तरह की प्रैक्टिसेस दूसरी चीज़ों में भी यूज़ करने लगे तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा गुरु से छल करने की सिर्फ एक ही सजा है, वो है अग्नि में जलना। और उसके बाद दोस्तों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उन्होंने स्वयं को जला लिया, और स्वयं को जलाते हुए उन्होंने कहा कि गुरु के साथ छल किया था इसलिए अब मैं अपने आप को जला रहा हूं, लेकिन जलने से पहले मैंने अपना कार्य पूर्ण किया है, कई जगहों पर मैंने बहुत बड़े बड़े बौद्धिक स्कॉलर्स को, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को वापस वैदिक धर्म में परिवर्तित कर दिया है। और उनकी जो फिलोसॉफी थी दोस्तों कुमारिल भट्ट की वो मीमांसा थी। और उसी समय दोस्तों एक और स्कॉलर
जिनका नाम आदि शंकराचार्य है, वो दक्षिण भारत से बौद्धों को पराजित करते 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 चले आ रहे थे और ये नॉर्थ में करते हुए चले आ रहे थे और दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा ख्याति इनने सुन रखी थी कुमारिल भट्ट की। तो आदि शंकराचार्य उस समय बनारस में ही थे जब कुमारिल भट्ट अग्नि समाधि ले रहे थे और कुमारिल भट्ट के विषय में जब आदि शंकराचार्य को पता चलता है तो आदि शंकराचार्य दौड़े दौड़े बनारस के उस घाट पर जाते हैं जहाँ पर वो अग्नि समाधि ले रहे थे और वो उन्हें सामने देखते हैं और उनसे बोलते हैं, मैं आपसे डिबेट करना चाहता था, आपके जैसा स्कॉलर मुझे कहाँ मिलेगा, मैं अद्वैतवादी हूँ, आप मीमांसावादी हो, तो मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। और वो दोनों मतलब बराबर लेवल के स्कॉलर्स थे और कुमारिल भट्ट भी उनकी बातें सुनते हैं, उनकी पोथियाँ देख रहे हैं जलते हुए। इस तरह का वर्णन एक शास्त्रों में आता है कि दोनों की बातें हो रही हैं और उस समय कुमारिल भट्ट बोलते हैं कि आप यहीं रहिए जब तक कि मैं पूरी तरह से अपने शरीर को त्याग नहीं देता, क्योंकि आपके जैसे महान व्यक्ति के सामने शरीर त्यागने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और दूसरी एक बात कुमारिल भट्ट उनसे कहते हैं कि चूंकि आप भी वैदिक धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं, भले ही मीमांसा और अद्वैतवाद का हमारा अंतर हो, लेकिन वैदिक धर्म को आप भी लाना चाहते हैं, तो मैं आपकी इस बात को देखकर बहुत खुश हूं और आप यदि सच में डिबेट ही करना चाहते हैं तो मेरे सबसे बड़े शिष्य मंदना मिश्र के साथ आप डिबेट कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आदि शंकराचार्य जाते हैं और मंदना मिश्र के साथ डिबेट करते हैं और उसके बाद की कहानी हम सभी जानते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं उस डिबेट के बारे में भी बात करूंगा दोस्तों कि मंदन मिश्र और शंकराचार्य की डिबेट किस लेवल पर हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से कुमारिल भट्ट नाम के व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया वैदिक धर्म को वापस स्थापित करने के लिए और एक हथियार एक सुई नहीं उठाई दोस्तों, पूरी तरह से अहिंसा से सिर्फ डिबेट कल्चर के साथ डिबेट करते हुए सारे के सारे फिलोसोफर्स को पराजित किया और पराजित करने के बाद वापस वैदिक धर्म की स्थापना भारत के अंदर की। और इस कारण से वैदिक धर्म भारत में आज भी ज़्यादा है और बौद्धिज्म भारत के बाहर ज़्यादा है। जो लोग कहते हैं कि बौद्धिज्म और हिंदुइज्म की लड़ाई हुई, हिंदुइज्म ने बौद्धों के बहुत सारे मंदिर तोड़े, आग लगाई, तो वो सारा का सारा झूठ है। वो सब कुछ जो हुआ है वो इस्लामिक इन्वेजन के समय हुआ है, लेकिन हिंदुइज्म और बौद्धिज्म की जो आपस में कन्वर्जेंस हुए हैं वो बाय डिबेट कल्चर से हुए हैं। पहले भी इसी तरह से अशोक के समय में कंपल्शन के थ्रू वो किया गया था, लेकिन उसके बाद डिबेट कल्चर से वापस सब लोगों को कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य वैदिक कल्चर में ले आए और उसके बाद से आज तक जैसा कि हम जानते हैं वो डिबेट कल्चर कहीं ना कहीं भारत के अंदर जारी है दोस्तों। तो ये थी कुमारिल भट्ट की कहानी। यदि आपको पसंद आई हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम लोग बना सके दोस्तों। धन्यवाद।